हेलो एवरीवन, हमारे चल रहा था संविधान का भाग 3 आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 32 तक। अपन ने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आज अपन पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन और बिल्कुल सरल और सटीक भाषा में आपके लिए। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कहां से लेकर आर्टिकल आते हैं, देखिए आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक इस आर्टिकल में आते हैं। आपको ये रेंज बताई जाती है ना, वह याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से संबंधित है। तो वह आपसे पूछेगा 21 से 24, 24 से 27 और 25 से 28। तो ऐसे आपको ऑप्शन देता है इनके, जैसे आपको एग्जाम्पल देता है। तो आपको ये याद होना चाहिए आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। संविधान के भाग 3 में क्या है, अपन डेली बताते हैं आपको, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और फंडामेंटल राइट कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और संख्या में कितने हैं, संख्या में यह है 6 है वर्तमान में। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। लिखते हैं आज का पहला पॉइंट, आर्टिकल नंबर 25 क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 25 बोलता है आप कोई भी धर्म का आचरण कर सकते हो, उसे मान सकते हो, वह आपके पास उस धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता होती है। आप कोई भी धर्म मानने उसका आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से पॉइंट याद हो जाएगा आपको। तो अपन सरल भाषा में कैसे याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 25 बोलता है, आर्टिकल नंबर 25 अपन कोई भी धर्म अपन मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, वह उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता हमारे पास होती है। यह हमें कौन सा आर्टिकल बताता है, यह बताता है हमें आर्टिकल नंबर 25। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 26 की। आर्टिकल नंबर 26 क्या बोलता है, देखो धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता। इससे पॉइंट आप समझ गए होंगे, क्योंकि कोई भी आपको धार्मिक कार्य करना है, कोई भी धर्म का हो, आपको वह कार्य करने का या उसका प्रबंधन की पूर्ण स्वतंत्रता है कि आप कोई सा भी धर्म कार्य का प्रबंध कर सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 25 क्या बोलता है, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 27 की। आर्टिकल नंबर 27 क्या होता है, कोई भी धार्मिक कर से यह संबंधित है। इससे अपन याद रखेंगे धार्मिक कर से, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, उनके लिए टैक्स जो आता है, जो अपन लोगों से लेते हैं, उस पर जो टैक्स है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो अपन को देखो कैसे याद होना चाहिए, लाइन वाइज याद होना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28, 25 से लेकर 28 कहेंगे वह सब धर्म से रिलेटेड होंगे। और धार्मिक में क्या क्या बताता है, आइए, आप कोई भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, उसका आचरण करने के लिए स्वतंत्र है, उसका प्रचार करने के लिए भी स्वतंत्र है। तो ये आपको ऐसे याद होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 26 धार्मिक कार्य का प्रबंधन से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 27 धार्मिक कर से संबंधित है। अब आता है आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 28 का पॉइंट लिखिए, कई चुनिंदा शिक्षण संस्थाओं में आप धार्मिक शिक्षा और उपासना की स्वतंत्रता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां से पॉइंट याद रखेंगे, धार्मिक शिक्षा और उपासना की स्वतंत्रता है कुछ ही शिक्षण संस्थाओं में, सभी में नहीं। तो एक पॉइंट आप यहां से यह भी लिखेंगे, कुछ ही शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा और उपासना की स्वतंत्रता है। तो अब आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने पढ़ा संविधान का भाग 3 आर्टिकल नंबर 12 से 32 अपने चल रहे हैं, उसमें अपन पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28। आर्टिकल नंबर 25 क्या होता है, कोई भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, उसका आचरण करने के लिए स्वतंत्र है और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, धार्मिक कार्यों के लिए जो प्रबंध करने की आप स्वतंत्र है, आप कोई भी सभा कर सकते हैं, धार्मिक सभा,
सारे धर्म, इसमें कोई भी धर्म के लिए सब धर्म के लिए समानता का अधिकार है। धार्मिक आप मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा उनके लिए उनके जो उनको आगे वृद्धि करने के लिए ठीक है। और धार्मिक शिक्षा और उपासना कुछ ही शिक्षण संस्थाओं में, ओनली कुछ ही शिक्षण संस्थाओं में क्या है, धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता है। तो आज का शिक्षण आपको कैसा लगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 25 से 28 फंडामेंटल राइट है। यहाँ तक का पॉइंट आज क्लियर हो गया। कल मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।